बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। साद व्लॉग में खुश आमदीद। दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान से वाया कतर सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, ये वीडियो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। वो लोग सवाल कर रहे हैं कि दोहा में हमें कितने दिन का करंटीना करना पड़ेगा अगर हम सऊदी अरब के लिए आगे ट्रैवल करते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा मुझे अपडेट करें। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपने दोहा के लिए विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, और आगे आपने सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग हैं। तो आपने सबसे पहले विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करना है, उसका तरीकाकार मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, ठीक है, उसके अलावा आपके पास कोरोना का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिटर्न टिकट हो पाकिस्तान से आने जाने की, यानी कि पाकिस्तान से दोहा, दोहा से पाकिस्तान की रिटर्न टिकट हो, ठीक है। और जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको 100 कतरी रियाल में विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल जारी किया जाएगा। और अगर आप आगे सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो 14 दिन आपने करंटीना करना है दोहा में, उसके बाद आप आगे सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और सऊदी अरब की जो कानून है वो तो आपको पता है, जो SOPs उन्होंने वज़ा की हुई हैं कि जो लोग भी दीगर ममालिक से सऊदी अरब में आना चाहते हैं, उन्होंने एक तो वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवाई हुई हो, और उसके अलावा जो है उनका जो स्टेटस है तवक्कलना पे, वो इम्यून शो होना चाहिए। इम्यून होगा तो उन्हें करंटीना नहीं करना पड़ेगा, सऊदी अरब में बग़ैर करंटीना के जा सकेंगे। अगर उनका स्टेटस इम्यून शो नहीं हो रहा तवक्कलना पे, तो उन्हें जो है करंटीना पैकेज परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और जो लोग कतर में सियाहती वीज़े पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मालूमात है कि एक एप्लीकेशन है, एतराज़ एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, और अपना जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड, यानी कि आपकी कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, और ये सारी अपडेट आपने उसके ऊपर करनी है ताकि आप उस पर रजिस्टर्ड हो सकें, फिर आप सैर सियाहत के लिए दोहा में भी जा सकते हैं। तो बेसिक सवाल यही था, लोग पूछ रहे थे कि जी हमें दोहा में कितने दिन करंटीना करना पड़ेगा। तो 14 दिन करंटीना करेंगे वहाँ पर, उसके बाद आप आगे सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पे मिलते रहे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।